गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, वेलकम अगेन इन द ऑनलाइन क्लासेज ऑफ एसपीपीएस। इन दिस वीडियो फॉर 12th क्लास इन पीएचई फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट आई एम टीचिंग यू इमोशन फोकस कोपिंग स्ट्रेटजीज। दिस वन आई हैव टॉट यू कि व्हाट इज फोकस इमोशन कोपिंग स्ट्रेटजीज क्या होती हैं, मैंने आपको लास्ट वीडियो बता दिया था। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द फॉलोइंग इमोशन फोकस कॉपिंग स्ट्रेटजी आर कॉमनली यूज। इनको सामान तरीके से यूज किया जाता है टू मैनेज द स्ट्रेसफुल सिचुएशन, जो तनावपूर्ण परिस्थिति होती है उसको मैनेज करने के लिए। तो इसका फर्स्ट आपकी स्ट्रेटजी होती है डेनियल ऑफ रियलिटी। पहला पॉइंट होगी तो इसमें क्या लिखा, डेनियल इनकार होता है, रिफ्यूजल ऑफ रियलिटी, वास्तविकता का इनकार। तो स्पोर्ट पर्सन फेस बैरियर, जो खिलाड़ी होते हैं वो सामना करते हैं भिन्न भिन्न स्पोर्टफुल सिचुएशन का इन देयर लाइफ, अपने जीवन में, फॉर मैनेजिंग और रिड्यूसिंग, मैनेज करने के लिए या कम करने के लिए इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेसफुल सिचुएशन, जो तीव्रता होती है तनावपूर्ण परिस्थिति के। दे टेंड टू डिनाई द रियलिटी, उनमें प्रवृत्त होते हैं इनकार करने की वास्तविकता को। द डेनियल ऑफ एग्जिस्टेंस, जो रिफ्यूजल होता है एग्जिस्टेंस का, ऑफ द थ्री धमकी, किसी धमकी का और प्रॉब्लम समस्या का, कैन हैव नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, वो रख सकता है एक नकारात्मक एक परिणाम रख सकता है। सिमिलर टू दैट ऑफ, जो समान होते हैं डेट ऑफ नॉट रिसीविंग, इसमें ना प्राप्त किया जाता। राइट मेंटल ट्रीटमेंट, सही दिमागी ट्रीटमेंट को ऑन टाइम समय पर। बैंड सिम्पटम्स बिगिन टू अपीयर, जब लक्षण दिखना चालू हो जाते हैं। एंड ऑस्ट्रिच हाइडिंग इट्स हेड, देखिए एक जो शुतुरमुर्ग होता है वो छुपा लेता है अपने सर को इन सैंड बालू में। व्हेनेवर इट फील, जब कभी भी यह महसूस करता है एनी डेंजर, किसी खतरे को, इज अनदर एग्जाम्पल, वह दूसरा उदाहरण होता है। लेकिन खतरे को देखकर अपनी जो गर्दन को बालू में दबा देगा वो स्वयं ही मर जाता है, कोई पीछा करता है। तो सेकेंड इज ब्लैक,